प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को देश भर में भाजपा सेवा दिवस के रूप में मना रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर इंदौर का बीजेपी कार्यालय मोदीमय नजर आया। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता पूरे जोश में नजर आए। बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उनके संघर्ष और सफलता को बखूबी उकेरा गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और प्रदर्शनी के सभी पहलुओं को बारीकी से देखा। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए ताई सुमित्रा महाजन ने पीएम मोदी के लिए 4 लाइनें भी कही। इसके साथ ही इंदौर से जुड़े पीएम मोदी के एक यादगार लम्हे को मीडिया के साथ साझा भी किया। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि उनका सौभाग्य है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वो कार्य कर रहे हैं। लगता है पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो देश के नस को जानता है, देश की नस को जानता है, उसके अनुसार जो भी सालों साल से जो तपश्चर्या की है इस देश के लिए लोगों ने, उनके भाव जान करके उसके अनुसार काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य था कि युवा मोर्चे में जब मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी था, जब वो महामंत्री की हैसियत से युवा मोर्चे को देखते थे, उसके बाद युवा मोर्चे के माध्यम से मैं गुजरात का प्रभारी भी बना और अब राष्ट्रीय महामंत्री की हैसियत से हरियाणा और बंगाल में जब काम करने का मौका मिला तो हमने प्रधानमंत्री के रूप में उनको देखा और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और 130 करोड़ जनता को यह आत्मविश्वास है कि मोदी जी है तो कुछ भी असंभव नहीं है।